डोंट लिमिट योर चैलेंज, रादर चैलेंज योर लिमिट्स. मतलब अपनी लिमिट्स को चैलेंज करो, उनको कितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करो. क्योंकि लाइफ में कई बार हमें ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं यार जो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते या ये शायद पॉसिबल नहीं होगा. कुछ ऐसा ही चैलेंज मुझे पहले लगता था, हमें ऐसा फील होता था कि यार एक एवेंजर को शायद हम रॉयल एनफील्ड जैसा मॉडिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, उसको उतना उस नज़रिए से देख नहीं सकते, उतना बेहतरीन मॉडिफिकेशन उस पर नहीं कर सकते. लेकिन आज एक ऐसा ही चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया, उसको फुलफिल किया और एक उस पर उस एक एवेंजर को मॉडिफाई किया है हमारी एक पुरानी बनाई गई बाइक के ऊपर ही, जिसका नाम था सेंटोर. तो नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका स्वागत है हमारे चैनल राइडोफाई में, जिसमें कि हम आपको दिखाते हैं खूब सारी खूबसूरत सी मॉडिफाइड बाइक. और आज जो हम आपको बाइक दिखाने वाले हैं वो है एक एवेंजर बाइक. इस एवेंजर को किया है हमने मॉडिफाई, इसका नाम रखा है हमने रूबी. क्योंकि दोस्तों कई बार आपने नोटिस किया होगा लोगों के मन में ऐसा डाउट रहता है कि यार एवेंजर इज़ नॉट अ गुड बाइक और इट शुड नॉट बी मॉडिफाइड, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन अ वे रॉयल एनफील्ड कैन बी. तो हमने वही चीज़ को किया है प्रूव और उसको किया है इस डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई. और आपको अभी जब मैं दिखाऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये एक एवेंजर है. तो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, पहले आप देख लीजिए उस बाइक को और फिर आपको बताता हूँ उसकी डिटेल्स के बारे में. तो पहले देखते हैं बाइक. तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बाइक देख के बहुत मज़ा आया होगा. पहले शुरू करते हैं इसके नाम से. आपको डाउट हो रहा होगा कि यार रूबी नाम क्यों रखा है. तो रूबी यार देख रहे हो आप, इसका एक डायमंड कट में टैंक बनाया हुआ है. और दूसरा मैंने आपको पहले ही बताया कि यार एक ऐसा काम किया है कि जो लोगों को लगता है कि यार एक कोयले से हीरा निकालने वाली बात है कि यार एक एवेंजर को इस तरह से डिफरेंट मॉडिफाई करना, तो हमारे लिए तो एक डिफरेंट टास्क रहा, चैलेंज रहा और हमने उसको एक्सेप्ट किया और कम्प्लीटली फुलफिल भी किया. और बहुत खुशी है आपको ये बता के मेरे को कि यार ये हमने किया है. और अगर मैं बताऊँ इसकी डिटेल्स के बारे में, तो इसमें आप देख रहे हो किस अलॉय हमने आगे और पीछे चेंज किए हैं. कस्टम अलॉयज हमने इसमें लगाए हुए हैं इस गाड़ी में. आगे के भी पीछे के भी अलॉयज को चेंज किया गया है. कस्टम मडगार्ड हमने इसमें फिट किया है आगे भी पीछे भी, आप देख रहे हो. साइड नंबर प्लेट लगाई है. और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, उन्होंने देखा होगा पहले हमने एक गाड़ी बनाई थी सेंटोर के नाम से, उसकी तर्ज पे ही इस गाड़ी को मॉडिफाई किया गया है. क्योंकि वो गाड़ी जो जिन भैया की ये गाड़ी है उनको काफ़ी पसंद आई थी और उनको चाहिए था कि यार मेरे पास एवेंजर है लेकिन मॉडिफिकेशन मुझे ऐसी कुछ चाहिए. तो कुछ एक चेंजेस को ध्यान रखा गया है, जैसे कि डबल सीट और बैकरेस्ट उसमें था वो हमने नहीं लगाया है इसमें एज़ पर कस्टमर्स प्रेफरेंस. लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि उस तरह की मॉडिफिकेशन इसमें हुई है. एंड डूइंग इट ऑन एन एवेंजर इज़ अ गुड थिंग, सो दैट पीपल हु हैव एवेंजर, जिनके पास एवेंजर है वो भी इस तरह की मॉडिफिकेशन को इन्जॉय कर सकें. तो आप देख रहे हो किस तरह का काम इसमें किया गया है. इंडिकेटर आप देख रहे हो हमने लगाए हुए हैं इस पर, क्रोम इंडिकेटर हैं विद ये आप कवर इसका देख रहे हो, मेटल कवर है ये. और आप देख सकते हो इस पर डबल सीट हमने लगाई हुई है. पीछे वाली सीट एडजस्टेबल सीट है, जब आप निकालना चाहो तो उसको यहाँ से बोल्ट ऑफ करके निकाल सकते हो और जब लगाना चाहो तो लगा सकते हो. काफ़ी मजबूत सीट है, ऐसा कुछ नहीं है आप हैवी पर्सन कोई इस पर बैठना चाहता था वो भी इस पर बैठ सकता है. बैरल एग्जॉस्ट हमने कैनन लगाया हुआ है, जो कि आप देख रहे हो फिट होता है इसमें एवेंजर के ऊपर. और बैंड पाइप के ऊपर हमने रैप किया हुआ है, आप देख सकते हो. इसमें दोनों ही साइड ये कार्बोरेटर कवर, जो कि हार्ले स्टाइल लुक देने के लिए इसको हमने लगाया है दोनों तरफ. और ये क्रोम प्लेट हमने इसके ऊपर लगाई है इसको एक डिफरेंट लुक देने के लिए. ये आप देख रहे हो इसका इंजन हमने किया है मैट ब्लैक पेंट. काफ़ी क्रोम वर्क किया गया है इस बाइक में, आप देख रहे हैं ये राइजर इसके क्रोम किए गए हैं. हैंडल इसका चेंज किया गया है. और इसका जो मीटर आप देख रहे हैं डिजिटल मीटर है फ्रेंड्स, साइड में इसको लगाया गया है डिजिटल मीटर को. एक बार ऑन करके आपको दिखाएंगे इसका डिजिटल मीटर. तो आपने देखा कितना अच्छा लुक इसका डिजिटल मीटर का आ रहा है, एक बार ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ.
तो अपनी एवेंजर में अगर आप इस तरह का कुछ चेंज कराना चाहें तो पॉसिबल है। आप देख रहे हैं आगे हमने इसमें हेडलाइट, कितनी अच्छी हेडलाइट हमने इसमें फिट की हुई है और आपकी अच्छी लाइट ही देती है, हाई ल्यूमिनेंस वाली लाइट है ये। और फिर वारंटी के साथ हमारे पास एज एन एक्सेसरीज भी ये लाइट अवेलेबल रहती है। और आप देख रहे हैं कस्टम मडगार्ड हमने इसमें लगाया हुआ है, ये आगे के टायर को हमने कवर करते हुए कस्टम मडगार्ड हमने लगाया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो इस बाइक में चेंज करी हैं, और भी छोटे मोटे माइनर चेंजेस हम इसमें कर चुके हैं। तो आपने देखी ये बाइक, अगर आप भी चाहते हो अपनी एवेंजर या रॉयल एनफील्ड या किसी और बाइक को मॉडिफिकेशन करवाना, तो हमारा नंबर यहाँ स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारी वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये बाइक बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जाने से पहले ज़रूर एक बार बता के जाएं हमारे कमेंट सेक्शन में कि आप आगे किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो, या आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो और हमें लगता है कि हमें कवर करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, और भी काफ़ी सारा हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने वाले हैं, काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। गुड बाय, टेक केयर, कीप बाइकिंग, कीप राइडिंग।